हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? तो बहुत शानदार, बहुत मज़ेदार, बहुत ज़्यादा कूल, बहुत ज़्यादा काम और बहुत ही मज़े के साथ आप अपने इन्वॉल्वमेंट के साथ अपने काम कर रहे होंगे, ये मेरी आशा है आपसे। थोड़ी सी हिंदी ज़्यादा हो गई बट ठीक है। तो मैं सुख मान के चल रहा हूँ कि आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा ट्रैक पे है और अच्छे से आप सारे काम निपटा रहे हो, अपने प्रॉपर तरीके से स्लीप साइकिल चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो मुझे पता है कि जो स्थितियाँ अभी है वो इतनी ईजी नहीं है टैकल कर पाना, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखो, प्रॉपर फूड लो, फाइबर्स थोड़े ज़्यादा खाओ ताकि आपका जो, क्योंकि आप बहुत लंबी सिटिंग्स दे रहे होंगे तो आपका स्टमक उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा, तो थोड़ा सैलेड्स वगैरह खाओ ताकि प्रॉपर तरीके से फूड जो है वो प्रोसेस होता रहे और आप कॉन्स्टिपेट फील ना करो, क्योंकि पेट एक बार खराब हुआ बहुत गंदा फील होता है फिर उससे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। ओके, सो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ संभव सीरीज ऑन डिटॉक्स बायोलॉजी। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट पार्ट है सेल सिग्नलिंग का, विच इज गोइंग टू बी एंजाइम लिंक रिसेप्टर। आयन चैनल रिसेप्टर में इस सीरीज में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें हैं कुछ हमने कल वाले बेसिक लेक्चर में कर ली है, एसिटाइल कोलीन और इससे रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं आयन चैनल से रिलेटेड। कुछ बातें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे अपने एनिमल फिजियो के कुछ लेक्चर्स में, न्यूरो बायोलॉजी में। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। और एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, जैसा कि नाम से, एज द नेम सजेस्टिंग, ये रिसेप्टर्स जो होते हैं इसके अंदर एंजाइमेटिक, मतलब कोई कैटालिटिक एक्टिविटी को हम देखते हैं। हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा है बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स में, जिसमें हम समझते हैं कि भाई साहब एंजाइम्स उन तरह के मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं जो कि यूजुअली प्रोटीनेशियस होते हैं, जो आपकी एंजाइम की रिएक्शन, सॉरी केमिकल रिएक्शन की काइनेटिक्स को बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर देते हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं विदाउट चेंजिंग द इक्विलिब्रियम, है ना? ऐसी कुछ बातें हम लोग करते हैं, राइट? तो रिसेप्टर में एंजाइम की क्या बात होने वाली है उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत समझते हैं। ओके, सो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर सर। दिस इज डे नंबर 35 ऑफ 60-day फ्री सीरीज कॉल्ड एज संभव सीरीज, जिसका मेन मोटिव आपको ऑलरेडी पता ही है अब, टू मेक योर सिलेक्शन अ रियलिटी। ठीक है, नाउ इससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं और इससे रिलेटेड जो भी टेस्ट हैं आपको, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, डिटॉक्स बायोलॉजी के ऑफिशियल चैनल पे। आप वहाँ जाइए और वहाँ से उसको डाउनलोड करिए और पढ़िए, उनको यूज़ करिए। बिना टेस्ट के आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है सर, सिर्फ पढ़ने पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, आपको समझना भी पड़ेगा कि आपकी पढ़ाई किस डायरेक्शन में है, आप सही ट्रैक पे हो या नहीं, और उसके लिए टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इज इट राइट? नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस टुडे, क्या टॉपिक्स होने वाले हैं हमारे? जैसा कि मैंने उनको ऑलरेडी बताई दिया है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंजाइम लिंक रिसेप्टर। तो हम पहले इंट्रोडक्शन देख लेंगे जैसा हम हर बार करते हैं, फिर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम टाइप्स, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स। तो मेजरली 6 टाइप्स के ईएलआर होते हैं, एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स होते हैं, जिसमें से हम मेजरली 4 पे बात करेंगे। दो जो है वो थोड़े से ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट उनकी एग्जाम से रिलेवेंस थोड़ी कम है, वैसे एचकेआर की अच्छी खासी है, बट मैं आज उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और उनके कुछ स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स और रेगुलेशंस पे बात की जाएगी, जो 4 हम लोग मेजरली डिस्कस कर रहे हैं। सही है, चलो देख लेते हैं भैया। फर्स्ट द इंट्रोडक्शन। सो अगर हम एंजाइम लिंक रिसेप्टर की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये कोई एक रिसेप्टर होने वाला है, यूजुअली ये सेल सरफेस रिसेप्टर की ही क्लास आएगी, अपन जानते हैं ये, लास्ट लेक्चर में हमने बात की है, दिस इज गोइंग टू बी सेल सरफेस रिसेप्टर। और सेल सरफेस रिसेप्टर में इन रिसेप्टर के अंदर कोई कैटालिटिक एक्टिविटी होगी एज सच, राइट? तो दीज आर द एंजाइम्स रिलेटेड, और यू कैन से कैटालिटिक रिसेप्टर्स, जिनके अंदर आपकी बहुत सारी सब यूनिट्स होती है। जैसे एक तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, जिसके थ्रू आप इनको मेम्ब्रेन में फिक्स करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मेम्ब्रेन में फिक्स करने के लिए इनको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी और ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन की जरूरत पड़ेगी। और दूसरे, दीज आर द सेकेंड मेजर टाइप ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर। पहला कौन सा था? जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो है वो आपका पहला वाला एंजाइम है। और दूसरा एंजाइम कौन सा है? ये एंजाइम लिंक रिसेप्टर है। सही बात है। फिर करते क्या है ये? इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं। यूजुअली एनिमल सेल्स में अगर हम बात करें तो बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे सेल का प्रोलिफ्रेशन करवाना, प्रोलिफ्रेशन मतलब नंबर बढ़ाना, डिफरेंशिएशन करवाना, जो कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम समझते हैं कि एक टाइप की सेल जो है वो आगे जाके स्पेसिफाई और डिफरेंशिएशन के बारे में बात करते हैं। सेल की ग्रोथ को करवाना, सेल के सर्वाइवल से रिलेटेड बहुत सारे इनके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब देखो ये सारे फंक्शंस एक ही तरह के रिसेप्टर परफॉर्म कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अलग अलग तरीके के लिगेंड जब उनसे बाइंड करते हैं, तो उनकी लिगेंड की बाइंडिंग अलग अलग तरीके की आपकी एक्टिविटी परफॉर्म करवा दी और एंजाइम से, आई मीन उस रिसेप्टर से। देखो एक और बात ध्यान रखना है, साइटोस्केलेटन ऑर्गेनाइजेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, सेलुलर मूवमेंट में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि साइटोस्केलेटन जो है वो मूवमेंट में बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं, और शेप चेंजेस, ये दोनों ही मूवमेंट जो है और शेप चेंज जो है वो साइटोस्केलेटन का ही फंक्शन है। तो अगर आप साइटोस्केलेटन में कुछ चेंजेस कर रहे हो तो आप शेप और मूवमेंट को ला सकते हो, लोकोमोशन आसान भाषा में। उसके बाद में काफी सारे स्टडीज में हमने ये भी देखा है कि जो एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स हैं उसके काफी डिजीजेस में भी रिलेटेड रोल होते हैं, जैसे हमारा जो कैंसर है
उसमें भी आपका एंजाइम लिंक रिसेप्टर के बारे में बात की जाती है। मैंने कैंसर में तुमको एक पॉइंट पढ़ाया था ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में, तो ग्रोथ फैक्टर्स की जो सिग्नलिंग है कि ग्रोथ फैक्टर आएगा और अगर ग्रोथ फैक्टर हटा देते तो अपोप्टोसिस इंड्यूस हो जाएगा, और ग्रोथ फैक्टर होगा तो आपका सेल सर्वाइव करेगा। ग्रोथ फैक्टर के लिए जो रिसेप्टर्स हैं वो भी आपके एंजाइम लिंक रिसेप्टर की टाइप में आते हैं। आरटीके और टीकेआर के बारे में हम बात करेंगे, उसमें आते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसलिए हम बोलते हैं कि कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जिससे रिलेटेड होते हैं आपके कौन से एंजाइम लिंक रिसेप्टर। अब क्या क्या क्लासेस हैं, तो 6 मेजर आपके एंजाइम लिंक रिसेप्टर के क्लासेस हैं। सबसे पहले होते हैं आरटीके, और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। दूसरे होते हैं अपने पास में टीकेएआर, विच इज योर टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर्स, जिनको मैंने कल रिक्रूटर रिसेप्टर्स कहा था फर्स्ट लेक्चर में। उसके बाद में आता है अपने पास में रिसेप्टर लाइक टायरोसिन फॉस्फेटेज, ये फॉस्फेटेज की बात कर रहे हैं। यहाँ तक अभी दोनों में मैंने काइनेज एक्टिविटी की बात की थी, टीकेआर में और आरटीके में। यहाँ पे मैं आरटीपी की बात कर रहा हूँ, जिसमें रिसेप्टर टायरोसिन फॉस्फेटेज के बारे में बात की जाएगी। फिर आ जाता है अपने पास में आरएसटी के, रिसेप्टर सराइन थ्रियोनिन काइनेज। और एट दी एंड दो और बचते हैं, जिसमें से एक होता है आरजीसी, रिसेप्टर गुआनिलिन साइक्लेज, और एक होता है आपका कौन सा, हिस्टिडीन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर एचकेआर। एचकेआर के बारे में डिटेल नहीं है तो मैं एक दो पॉइंट यहीं पे बता देता हूँ। इसको याद रखना कि बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस में 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग में आपका एचकेआर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। बस इतनी ही बात आज कर पाएंगे बेटा अपन, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है इसमें। बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस मतलब बैक्टीरिया किस तरीके से आपका केमिकल के अंडर इन्फ्लुएंस में मूवमेंट करेगा, उसमें एचकेआर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और हम आरटीपी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, टायरोसिन फॉस्फेटेसेस, क्योंकि आरटीके और टीकेआर पढ़ने के बाद आप आरटीपी के बारे में थोड़ा बहुत समझ सकते हो, बहुत ज्यादा इसमें रेलेवेंस नहीं बनता है। राइट, अब इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखना, इसकी लेबलिंग उतनी क्लियर नहीं हो पाई है, आई हैव ट्राइड इट बट ये हो नहीं पाया है, तो मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, पहली क्लास जो है यहाँ पे वो है आरटीके की, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज की आरटीके की क्लास है। और आरटीके की क्लास में तुमको बात ये ध्यान रखनी है कि आपके इनके अंदर खुद में ही क्या होते हैं, फॉस्फोराइलेशन करने के डोमेन्स होते हैं, इसलिए इनका नाम रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, कि टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी इस रिसेप्टर के अंदर ही है, जिसकी वजह से टायरोसिन का फॉस्फोराइलेशन करेगी। खुद पे भी टायरोसिन पे फॉस्फोराइलेशन होगा, और जो आने आगे डाउन स्ट्रीमिंग में सिग्नलिंग होगी उस पे भी टायरोसिन पे ही फॉस्फोराइलेशन होगा, याद रखना है बात। फिर आता है अपने पास में रिसेप्टर सराइन थ्रियोनिन काइनेज, जिसको हम आरएसटी के बोल सकते हैं। और रिसेप्टर सराइन थ्रियोनिन काइनेज की अगर अपन बात करते हैं, तो इनका मेजर वर्किंग होता है कि ये थ्रियोनिन और सराइन पे क्या करते हैं, फॉस्फोराइलेशन करते हैं। इनके अंदर भी खुद में इंट्रेंसिक काइनेज एक्टिविटी, फॉस्फोराइलेशन एक्टिविटी होती है। फिर आता है आरटीपी, रिसेप्टर टायरोसिन फॉस्फेटेस। रिसेप्टर टायरोसिन फॉस्फेटेस में ये रहता है कि जो आपके आरटीके से फॉस्फोराइलेट प्रोडक्ट्स होते हैं, ये वाले रिसेप्टर उनको क्या करते हैं, डीफॉस्फोराइलेट करते हैं। देख रहे हो यहाँ पे ये पीपी लगे हुए हैं, फॉस्फोराइलेटेड है टायरोसिन पे, यहाँ पे ये डीफॉस्फोराइलेट हो गया। आखिरी एक और चीज जो अपने को ध्यान रखनी है वो है आरजीसी, रिसेप्टर गुआनिलिन साइक्लेज, और ये इंपॉर्टेंट एंजाइम एंड इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है। इसके अंदर भी खुद की एक्टिविटी होती है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, जीटीपी को यूज करके साइक्लिक जीएमपी, अगर तुमको याद आ रहा हो तो मैंने कल सेकेंडरी मैसेंजर में सीजीएमपी के बारे में बताया था, उसके बारे में बात की जाती है। सीजीएमपी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हमने बात की थी विजन वगैरह, और इसमें ऑल्फेक्शन वगैरह में काम करता है ये। अब एक पॉइंट और समझ लो, यहाँ पे ये सारे के सारे जो हैं ये एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर बोल सकते हो, या एंजाइम रिसेप्टर बोल सकते हो, ये ऐसे रिसेप्टर है जिनके अंदर खुद एंजाइमेटिक एक्टिविटी है। टीकेएआर और आपका एचकेएआर, टीकेएआर टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर और हिस्टिडीन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर, ये दो ऐसे रिसेप्टर्स हैं जिनके अंदर एसोसिएटेड एंजाइम्स होते हैं, मतलब बाहर से एंजाइम जोड़ते हैं वो एक्टिवेट होने के बाद में, और फिर आके प्रोसेस करवाते हैं। ये मेजर डिफरेंस है, अपने को याद रख। अगली बात अगर अपन करते हैं, तो अभी तक थोड़ा सा फिर वापस से आते हैं, और यहाँ पे इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये जितने भी ब्लू कलर के अरेंजमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सब टायरोसिन काइनेज डोमेन है। तो ये जितने भी रिसेप्टर यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे कैसे हैं, टायरोसिन काइनेज रिलेटेड हैं। अब ये आपके कैसे होंगे, आरटीके की बेसिक मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे ली है। एक मैंने लिया है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, ईजीएफ का रिसेप्टर, जो कि आपका इस तरीके से देखने को मिलता है। इंसुलिन, वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट, इंसुलिन का रिसेप्टर आपका आरटीके की क्लास में आता है। इसके अलावा एनजीएफ रिसेप्टर, न्यूरोनल ग्रोथ फैक्टर, पीडीजीएफ प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट एफजीएफ, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, वीजीएफ वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, और आपका ईपीएच एफरिन का जो रिसेप्टर होता है वो भी आपका किस में आता है, आरटीके में आता है। अब देखो इन सब की अपनी अपनी सिग्नलिंग है, बट तुम भी समझते हो कि मतलब 40-45 मिनट में इतना कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं सबकी सिग्नलिंग पे नहीं जा रहा हूँ, बट मैंने तुमको एक बार ये रिविजन के लिए थोड़ा सा बता दिया है कि ये आरटीके से रिलेटेड सिग्नलिंग पॉसिबल होती है। एक चीज ध्यान रखना कि ये जो एफरिन वाली सिग्नलिंग है, ये न्यूरोन से रिलेटेड है, न्यूरोन के डेवलपमेंट में काम करती है ये,
न्यूरोनल ग्रोथ को उनके डेवलपमेंट में काम करती है, रो प्रोटीन और CDC42 और उनके साथ में काम करती है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो विल स्टार्ट विद द आरटीके, क्योंकि पहला इंपॉर्टेंट हमारा एंजाइम का रिसेप्टर वही है। तो आरटीके के बारे में अगर अपन बात करें तो ये क्या है आपके, ऑब्वियसली दीज आर द फैमिली ऑफ सेल सर्फेस रिसेप्टर, हम जानते हैं बात। और इसके काफी सारे ऐसे रोल्स होते हैं जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल को इंट्रा सेलुलर रिस्पॉन्स में बदलता है। कल मैंने तुमको सेल सर्फेस रिसेप्टर जब पढ़ाया था तब ये बात बताई थी कि इनका मेजर वर्किंग सिर्फ ये है कि बाहर से जो सिग्नल आ रहा है उसको अंदर सेल के अंदर रिस्पॉन्स में बदले, ठीक है, कि सेल कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। मेजर इनकी वर्किंग देखे तो क्या क्या हो सकती है, सेल के ग्रोथ में इनका मेजर वर्किंग है, अभी बताया मैंने तुमको, ग्रोथ फैक्टर्स, डिफरेंशिएशन जो कि ग्रोथ फैक्टर से होता है, सर्वाइवल ग्रोथ फैक्टर से होता है, और मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन वाला जो मैनेजमेंट था उसमें मेटाबॉलिज्म। ठीक है स्ट्रक्चरली अब इसको ध्यान से समझना, मैंने बहुत ही कंसाइज करने की कोशिश करी है इसको, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट बिलीव मी अगर तुमने एक बार भी सेल सिग्नलिंग पढ़ रखी है और फिर तुम इन लेक्चर्स को देखते हो, जो तुम 4 घंटे में काम कर रहे हो वो मैं 40-45 मिनट में करके दे रहा हूँ तुमको। ठीक है स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो आरटीकेज जो है इनके अंदर एक एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन होता है, मतलब बाहर से ये सेल मेम्ब्रेन है तो बाहर से जब ये बाइंड करेंगे तो इस तरीके से ये आरटीके है हमारा, तो इस तरीके से है ना ये डाइमराइज फॉर्म में ही काम करते हैं, तो ये इनका लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है पूरा। ठीक है अब ध्यान से समझना, तो बाहर की तरफ इनका लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है एक्स्ट्रा सेलुलर में, और सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स होता है, ये दिख रहे हो सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स, ये सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स हो गया। और इनके अंदर इंट्रा सेलुलर कैटालिटिक डोमेन होता है जिसके अंदर आपका क्या होता है, टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी होती है। तो ये अंदर वाला जो डोमेन दिख रहा है आपको, ये वाला, इसके अंदर खुद की इंट्रेंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है जिससे ये खुद का भी फॉस्फोराइलेशन करेगा, ऑटोफॉस्फोराइलेशन जिसको कहेंगे हम, और बाकी आने वाले डाउनस्ट्रीम प्रोटीन्स का भी फॉस्फोराइलेशन करेगा। आगे बढ़ते हैं, लिगेंड जो है इसके अंदर यूजुअली ग्रोथ फैक्टर हो सकता है या कोई हार्मोन हो सकता है जैसे इंसुलिन, और अपन ने देखे कुछ केसेस में साइटोकाइंस भी हो सकते हैं। ठीक है साइटोकाइंस इंपॉर्टेंट। नाउ इसी में और आगे बढ़ते हैं तो क्या हो सकता है, राइट। सो अगली स्लाइड पर अगर अपन चलते हैं तो क्या स्थिति बनती है हमारे पास में, एक बेसिक मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। सबसे पहले क्या होगा, आपके लिगेंड आएंगे, लिगेंड आने के बाद में यहाँ पे आए, आने के बाद में उनका क्या होगा, डाइमराइजेशन होगा, क्योंकि हमारा जो आरटीके है वो भी क्या है, डाइमराइज फॉर्म में एक्टिव होगा, तो ये डाइमराइज होंगे। सॉरी फॉर दिस, सबसे पहले ये इनएक्टिव है, अभी क्या है, ये इनएक्टिव है, लिगेंड आया बाइंड हुआ और ये क्या हुआ, सबसे पहले एक्टिव हुए, तो इनका डाइमराइजेशन हुआ और इनकी काइनेज जो एक्टिविटी है, ये काइनेज डोमेन इनका, ये काइनेज एक्टिविटी इनकी क्या हुई, एक्टिवेट हुई। काइनेज एक्टिविटी के थ्रू क्या हुआ, ये डाइमराइज हो गए। डाइमराइज होने के बाद इन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपने जितने भी टायरोसिन थे उनका फॉस्फोराइलेशन कर दिया। इनके अलग अलग जगह पे टायरोसिन होते हैं और उसके बेसिस पे अलग अलग टाइप के आपके क्या होते हैं, आरटीके देखने को मिलते हैं और अलग अलग सिग्नलिंग चलाते हैं वो, गेटिंग इट। तो आरटीके एक्टिवेट हुआ ऑटो फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, और अल्टीमेटली इसके बाद में इसने क्या करा, अपना जो दूसरे प्रोटीन है जिनको हम डाउन स्ट्रीमिंग प्रोटीन बोल सकते हैं उसको बुलाया, जैसे अडेप्टर प्रोटीन फॉस्फोराइलेट होने के बाद यहाँ लग गया, इंट्रासेलुलर सिग्नल प्रोटीन जो है वो अपने अपने जो आ गए। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि SH2 SH3 डोमेन होता है उन प्रोटीन्स के अंदर जो फॉस्फोटायरोसिन को रिकॉग्नाइज करके जुड़ते हैं, ठीक है, फॉस्फोटायरोसिन को रिकॉग्नाइज करके जो जुड़ते हैं SH2 SH3 डोमेन उनके अंदर होते हैं। ठीक है फिर सिग्नलिंग कैस्केड आपकी चलेगी इन प्रोटीन्स के थ्रू, और अल्टीमेटली आपके अलग अलग तरीके के सिग्नलिंग जो प्रोलिफरेशन और ग्रोथ में जरूरी है और दूसरे जो भी काम है उसमें वो यूज हो जाएगी। बेसिक सा मैकेनिज्म सिर्फ इतना सा है, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझना भी जरूरी है क्योंकि इतने से तो कुछ काम नहीं होगा। देखो एक्टिवेशन में सिंपल सी है कि लिगेंड बाइंड करेगा, रिसेप्टर का डाइमराइजेशन होगा जिसकी वजह से आपका ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, स्पेसिफिक टायरोसिन रेसिड्यू, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सब जगह पे नहीं, वो पर्टिकुलर लिगेंड किस जगह के लिए आ रहा है या किस काम के लिए आया है उसके बेसिस पे आपका टायरोसिन रेसिड्यू फॉस्फोराइलेट हो जाएंगे इंट्रा सेलुलर डोमेन में। डाउन स्ट्रीमिंग सिग्नलिंग में क्या होगा, जो फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेसिड्यू है उसमें क्या होगा, आपका डॉकिंग होगी, वो एक डॉकिंग साइट की तरह एक्ट करेंगे डाउन स्ट्रीमिंग सिग्नलिंग प्रोटीन के लिए। मतलब अपने देखा था ना पीछे डायग्राम में, इनके फॉस्फोराइलेशन की वजह से दूसरे प्रोटीन आके इनके ऊपर डॉक हो रहे हैं, इस तरीके से आके लग रहे हैं, तो डॉकिंग होगी और उनके अंदर क्या होगा, यूजुअली SH2 डोमेन, यहाँ पे SH3 लिखना भूल गया हूँ मैं, SH3 भी रहता है। फिर ये जो आरटीकेज हैं आपके जिन्होंने सिग्नलिंग कैस्केड को इनिशिएट किया है, ये आपके सेल ग्रोथ में या फिर आपके ये डिफरेंशिएशन में और सर्वाइवल में रेगुलेट करेंगे। उसके बाद में अगर हम इसमें एग्जाम्पल्स देखें तो क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं हमारे पास आरटीके के, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने तुमको अभी बताया, इसमें EGFR एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जो कि आपका एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर से रिलेटेड है, ये आपका सेल प्रोलिफरेशन में और डिफरेंशिएशन में मदद करता है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है ग्रोथ फैक्टर है एपिडर्मल। एक एग्जाम्पल और याद रख लेना, दो ही एग्जाम्पल डाले हैं मैंने, इंसुलिन रिसेप्टर, इसमें ये इंसुलिन से एक्टिवेट होता है और अल्टीमेटली क्या काम करता है, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को। तुम जानते हो यार इंसुलिन के बारे में तुमने पढ़ा ही है, डायबिटीज के बारे में भी पता होगा थोड़ा बहुत कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है अगर इंसुलिन काम नहीं करता है तो। ठीक है
चलो अगले पे चलते हैं। कुछ फ्लक्चुएशन हुआ था वोल्टेज का, आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बेसिक सा अरेंजमेंट है, हम जानते हैं कि हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो अचानक से बढ़ जाता है अगर इंसुलिन काम नहीं करती है, बिकॉज इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग योर हाई ब्लड ग्लूकोज इंटू टिश्यूज, तो वहां जाके वो मेटाबोलाइज हो, है ना, यही काम हम जानते हैं इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, देखो अब रिसेप्टर अगला क्या है आरटीके के बाद में हमारे पास में है आपका रिसेप्टर रैंथ्रियोनिन काइनेज, इसके बारे में ये अगला रिसेप्टर है जिसके बारे में हमको बात करना है, जिसको हम RSTK बोलेंगे अभी, RSTK, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हमारे आरटीकेज हैं इसी में आपका RSTK भी काम करते हैं, बट इसमें जो मेजर डिफरेंसेस है कि यहाँ पे सराइन और थ्रियोनिन पे फॉस्फोराइलेशन होता है, आरटीके में टायरोसिन पे हो रहा था, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, TGF बीटा बोलते हैं इसको, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप अलग अलग ये समझ सकते हो तुम कि ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर का बेसिक मैकेनिज्म तुम इससे समझ सकते हो कि जब आपको सेल डिफरेंशिएशन वगैरह करना है तब। इसके अलावा कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जैसे TCR, टी सेल रिसेप्टर, उसके अंदर अल्फा बीटा तरह के टी सेल रिसेप्टर, उनका डेवलपमेंट कैसे वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगी, मूवमेंट करेगी और अल्टीमेटली आपका इम्यून रिस्पॉन्सेस देगी। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक से सिग्नलिंग रखी है TCR अल्फा बीटा की, लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखो सबसे पहले TCR अल्फा बीटा ये हमारा रिसेप्टर है और इसके साथ में CD3 क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 3 इसके साथ काम करता है। सबसे पहले आपका मॉलिक्यूल आके जुड़ेगा, मॉलिक्यूल जो भी सराइन्थ्रियोनिन काइनेज है तो इनका फॉस्फोराइलेशन होगा। फॉस्फोराइलेशन होने के बाद में यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के कैस्केड्स चलेंगे। सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या होगा, इससे एक प्रोटीन एक्टिवेट कर देंगे ये, जिसको बोलते हैं PLC गामा। ये याद रखना, PLC बीटा मैंने कल बताया था वो GPCR में था, यहाँ पे PLC गामा है। और ये PLC गामा क्या करेगा, इस PIP2 को, PIP2 फॉस्फेटाइडल एनोसिटॉल और P2 मतलब दो फॉस्फेट एक्स्ट्रा है उसके पास में 4 और 5, इसको कन्वर्ट करेंगे डैग में, डायसाइल ग्लिसरॉल में, और IP3 में, आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट में, IP3 4515 पे फॉस्फेट है। अब ये पूरी बहुत अच्छी से रिएक्शन है, आज हम इस पे नहीं जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हुआ क्या है, यहाँ पे आपका एक फॉस्फोलिपिड जो है वो आपका डैग, डायसाइल ग्लिसरॉल और IP3 में टूट गया है। ये IP3 जो है फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाएगा और वहां जाके IP3 ग्रेटेड कैल्शियम चैनल को ओपन करवा के कैल्शियम का इन्फ्लक्स करवाएगा, और फिर इससे आपके अलग अलग रिएक्शंस होंगे। क्या क्या रिएक्शंस होंगी, एक तो ये PKC को एक्टिवेट करवाएगा, कैल्शियम भी PKC को एक्टिवेट करवाएगा, और डैग जो है वो PKD को भी एक्टिवेट कराएगा, प्रोटीन काइनेज D2, प्रोटीन काइनेज C, इन सबको एक्टिवेशन के बाद में अलग अलग काफी सारी रिएक्शंस चलेगी, जिसमें रैप GEF इंपॉर्टेंट होगा, गुआनिल एक्सचेंज फैक्टर, याद आ रहा है कल बताई थी इसके बारे में, जिसकी वजह से आपका रैप 1 जो आपका एक मोनोमेरिक जी प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और जिसकी वजह से एडिशन एडिशन LF1 प्रोटीन की वजह से एडिशन परफॉर्म कर पाएंगे, मतलब जुड़ना है टी सेल को कहीं पे या जो भी मूवमेंट करना है वो सारे। इसके अलावा इसके अंदर NF-kappa-B की सिग्नलिंग और इंटरल्यूकिन 2 और इंटरफेरॉन गामा, इनकी सिग्नलिंग के थ्रू आपके अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स डेवलप होंगे, या फिर ये डेवलप करने के लिए हम ट्रांसक्रिप्शन का यूज करेंगे। और एक और चीज जो यहाँ पे होगी, क्योंकि आपको एडिशन करना है तो आपको पोलैरिटी में चेंज करना पड़ेगा, और उसके लिए MTOC, मेमेलियन टारगेट ऑफ आपका जो MTOC होता है उसके बारे में बात करते हैं अपन, और वो पोलैरिटी को चेंज करेंगे, गेटिंग इट। तो ये पूरी की पूरी आपकी मेमेलियन टारगेट कहाँ से बोले, सॉरी है वो तो एमटोर है ना। MTOC में क्या हो रहा है, आपका माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर जो है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, इसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे और पोलैरिटी चेंज होगी। सॉरी फॉर दिस, वो एमटोर से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, कंफ्यूज तो नहीं बोलेंगे बट दिमाग में आ गया था अचानक। चलो आगे बढ़ते हैं, और अगली बात जो अपन कर रहे हैं वो है इसका स्ट्रक्चर, RSTK का स्ट्रक्चर कैसा होता है। RSTK के स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले इसमें वही एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड डोमेन होगा जो कि आउटर सरफेस पर रहेगा, तुम जानते हो। अब मैं इसको बहुत तेजी से बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी बातें हो चुकी है, स्पेसिफिक लिगेंड से बाइंड करेंगे, जैसे ग्रोथ फैक्टर हो गया या साइटोकाइंस हो गए, सेम ग्रोथ फैक्टर और साइटोकाइंस अपन ने पीछे RTK में भी किया। ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होगा, तो एक ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होगा जो आपके रिसेप्टर के साथ जोड़ के रखेगा उसको। इंट्रा सेलुलर सराइन थ्रियोनिन काइनेज डोमेन होगा इसके अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, इनका खुद का सराइन थ्रियोनिन काइनेज पे फॉस्फोराइलेशन होगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, आगे की जो भी रिएक्शंस होगी वो ये करेंगे। ये हुआ इनका स्ट्रक्चर। एक्टिवेशन की बात अगर अपन करें तो एक्टिवेशन में सिंपल सा सिर्फ इतना ही है कि लिगेंड की बाइंडिंग होगी, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, अल्टीमेटली एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे लिगेंड की बाइंडिंग होगी। रिसेप्टर क्या होगा, ऑलिगोमराइज होगा। अब यहाँ पे वर्ड ध्यान देना, वहाँ पे डाइमराइज वर्ड था, यहाँ पे बोल रहा हूँ ऑलिगोमराइज होगा, ठीक है। बहुत सारे रिसेप्टर सब यूनिट एक साथ आ जाएंगे, इंट्रासेलुलर काइनेज एक्टिविटी जो ऑलिगोमराइज रिसेप्टर है उनके अंदर चालू हो जाएगी, और सराइन थ्रियोनिन काइनेज डोमेन उनका एक्टिवेट हो जाएगा फॉस्फोराइलेशन के थ्रू। फिर क्या करेंगे, वो जो एक्टिवेटेड काइनेज डोमेन्स हैं जिन्होंने खुद का फॉस्फोराइलेशन करके और ऑलिगोमराइजेशन वगैरह कर दिया है, ये आगे जाके और सराइन थ्रियोनिन थ्रियोनिन रेजिड्यूज पे टारगेट प्रोटीन्स के सराइन थ्रियोनिन पे भी क्या करेंगे, फॉस्फोराइलेशन करेंगे। मतलब बेसिक रिएक्शन सब में दोनों में वही है, RTK में भी और RSTK में भी, बट याद रखना है कि वहाँ टायरोसिन है, यहाँ पे आपका क्या है, सराइन थ्रियोनिन है। अब देखो इसके कुछ डाउन स्ट्रीमिंग सिग्नलिंग इवेंट समझना जरूरी है, मैंने RTK में ये नहीं डाला क्योंकि उसमें बहुत सारा हो जाता, इसके थोड़े बहुत समझ लो। एक होता है इसके अंदर SMAD, तो
तो स्मैड सिग्नलिंग भी बोलते हैं इसीलिए इसको, जो आपका RSTK है इसको स्मैड सिग्नलिंग भी बोल देते हैं। इसमें TGF बीटा, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा की जो सिग्नलिंग होती है आपकी, वो स्मैड से रिलेटेड होती है। इसके अंदर जो आपके फॉस्फोराइलेटेड RSTK होते हैं वो स्मैड प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं, जो आगे जाके जीन के ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करेंगे। एक और पाथवे चलता है जिसको हम बोलते हैं मैप काइनेस पाथवे। मैप का मतलब याद रखना माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस, और ये जो कैस्केड होता है ये भी एक्टिवेट होता है आपका इसी से, इस अल्टीमेटली RSTK से ही। और इसमें अल्टीमेटली सेल प्रोलिफरेशन इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन और सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है। तो अब ये क्यों मैं बोल पा रहा हूँ, देखो माइटोजन का मतलब ऐसी चीज होती है जो माइटोसिस और मियोसिस को एक्टिवेट करवाती है। जैसे म्यूटाजन आपने वर्ड सुना होगा, म्यूटाजन उसको कहते हैं जो म्यूटेशन करवाए, तो माइटोजन जो है वो माइटोसिस या मियोसिस करवाए। फिर सेलुलर रिस्पॉन्सेज की अगर बात करें तो RSTK के काफी सारे सेलुलर रिस्पॉन्सेज होते हैं, जैसे आपका जीन एक्सप्रेशन में बदलाव होना या फिर सेल के बिहेवियर में कुछ चेंज होना, मतलब मोबिलिटी हो गया या कुछ भी हो सकता है बिहेवियर में, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स, तो TGF बीटा का मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ तुमको, जो तुमको याद ही रखना है ना। इसमें Type 1 Type 2 इस तरीके के दो चीजें मिलकर आपका एक पूरा का पूरा रिसेप्टर डेवलप करती है, और इसमें अल्टीमेटली सेल ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और इम्यून रिस्पॉन्सेज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बताया था ना कि इम्यून रिस्पॉन्सेज डिफरेंशिएशन और ग्रोथ में मदद करता है, ट्रांसफॉर्मिंग बदलाव होंगे इसके अंदर। ग्रोथ फैक्टर है तो क्या करेगा, ग्रोथ तो करवाएगा। बोन मॉर्फोजेनेटिक फैक्टर BMPR वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन BMP, इसके भी रिसेप्टर जो होते हैं वो TGF बीटा सुपर फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, और ये आपके बोन और कार्टिलेज डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा याद रखना है। बात एक्टिविन रिसेप्टर, ये भी आपके TGF बीटा सुपर फैमिली के ही है, और इसके अंदर अलग अलग तरीके की फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है, और जो मेजरली आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है एक्टिविन। इसके एक डायग्राम देख लो, चलो अब सिग्नलिंग बेसिक सी, ये वाली सिग्नलिंग देखो, ये बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन हो गया आपका BMP, इसमें R2 R1, क्योंकि इन दोनों का क्या हो रहा है, डाइमराइजेशन हो रहा है ना, या तुम बोल सकते हो कि Type 1 Type 2 बोल दो अभी के लिए, डाइमराइजेशन ऑलिगोमराइजेशन ऐसा ही कुछ वर्ड। फिर यहाँ पे एक्टिविन का भी वैसे ही रिसेप्टर है R2 R1, यहाँ पे R2 R1 है, यहाँ पे भी R2 R1 है, TGF बीटा, ये सब एक ही फैमिली के हैं। अब यहाँ पे दो तरीके की सिग्नलिंग चलती है, कैनोनिकल सिग्नलिंग, कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल। आज अपन इधर नहीं जा रहे हैं, बट अभी के लिए तुम सिर्फ इतना समझो कि इनके बाद में ये अलग अलग तरीके के स्मैड को एक्टिवेट कराते हैं। तो जो आपके TGF बीटा एक्टिविन वगैरह होते हैं वो SMAD 2 और 3 से एक्टिवेट होते हैं या काम करवाते हैं, और आपका जो BMP होता है वो आपका SMAD 1 5 और 8 के फॉस्फोराइलेशन से काम कराता है। ध्यान रखना सब जगह फॉस्फोराइलेशन ही है, काइनेज मतलब फॉस्फोराइलेशन, उसका लोड नहीं लेना। फिर ये SMAD 4 के साथ जोड़ता है, तो SMAD 4 ही 2 और 3 के साथ जुड़ता है, SMAD 4 ही 1 5 8 के साथ जुड़ता है, जिसके साथ में वो क्या करता है, इस तरीके का आपका SMAD कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। को स्मैड बोल सकते हो तुम इसको, इस तरीके से को स्मैड है, तो एक्टिवेटर, इफेक्टर स्मैड और को स्मैड, इस तरह के वर्ड यूज करके हम यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो आगे जाके क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन में रेगुलेशन करता है, ठीक है। इसके अलावा TGF से आपकी मैप काइनेज या PI3 काइनेज और रो रॉक की सिग्नलिंग भी चलती है। इससे ये पूरी जो सिग्नलिंग है, ये आपकी PI3 काइनेज, मैप काइनेज की सिग्नलिंग और रो रॉक की सिग्नलिंग, ये आपके मूवमेंट में या सेल्यूलर बिहेवियर में चेंजेस लेके आती है। रो रॉक की सिग्नलिंग एक्टिन के पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन से रिलेटेड है, PI3 काइनेज की सिग्नलिंग PI3 डेवलप करने से रिलेटेड है, PIP2 या PIP3 डेवलप करने से, और मैप काइनेज की सिग्नलिंग मैंने कल तुमको रास मोनोमेरिक जी प्रोटीन में बताई थी, ERK वाली जो सिग्नलिंग होती है ना। फिर आता था इनका टर्मिनेशन और रेगुलेशन कैसे होता है, सिंपल है, क्योंकि आप फॉस्फोराइलेट करके चालू कर रहे हो तो डीफॉस्फोराइलेट करके बंद कर दो, सिंपल है ना। और उसके अलावा तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, फॉस्फेटेसेस जो होते हैं वो RSTK के जो रिसेप्टर होते हैं उनको डीफॉस्फोराइलेट करके सिग्नलिंग बंद कर देते हैं, या फिर आप एंडोसाइटोसिस और डिग्रेडेशन कर दो। किसका एंडोसाइटोसिस कर दो, जो एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स है उनको आप अंदर खींच लो सेल के अंदर और उनको डिग्रेड कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा और टर्मिनेशन हो जाएगा, सिंपल। फिर अगला है अपने पास में RGC, रिसेप्टर गुआनिलिल साइक्लेज। रिसेप्टर गुआनिलिल साइक्लेज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके भी बहुत इंटरेस्टिंग वो है, अरेंजमेंट्स है। तो ये भी एक सेल सरफेस रिसेप्टर है, मैं फटाफट इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम फटाफट इसको याद करते जाओ। इसके अंदर भी इंट्रेंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना कि जैसे ये दूसरे तुम ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे RGC जो है वो दूसरे डाउन स्ट्रीमिंग प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है, सिग्नलिंग प्रोटीन्स को। RGC जो है वो खुद ही एक रिसेप्टर भी है और एक एंजाइम भी है। अब RTK और इसमें अंतर समझ लो, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। मान लो ये RTK बनाया मैंने, मैं अभी डाइमर फॉर्म नहीं बना रहा हूँ, सिंपल फॉर्म बना रहा हूँ। तो RTK क्या करेगा, एक दूसरे प्रोटीन के टायरोसिन का फॉस्फोराइलेशन करेगा, और इस फॉस्फोराइलेशन के बाद में ये वाला प्रोटीन आगे जाके काम करेगा, सही बात है ये। लेकिन जब हम RGC की बात करते हैं, रिसेप्टर गुआनिलिल साइक्लेज की, तो हम ये बोल रहे हैं कि RGC जो है वो खुद ही ऐसी चीज बनाएगा, वो मॉलिक्यूल इसका प्रोडक्ट ही आगे जाके काम करेगा। अंतर समझ में आ रहा है, यहाँ पे कोई नया प्रोटीन यूज नहीं कर रहा हूँ मैं डाउन स्ट्रीमिंग के लिए RGC में, यहाँ पे मुझे प्रोटीन यूज करना पड़ेगा, चाहे वो कोई सा भी आपका दूसरा
क्लास ऑफ एंजाइम लिंक रिसेप्टर हो। यहाँ पे आपका इसका रिजल्ट, अब इसका रिजल्ट क्या होगा, आरजीसी का साइक्लिक जीएमपी होगा और वो साइक्लिक जीएमपी खुद जाके काम करेगा, तो ये खुद ही एक सेकेंडरी मैसेंजर बना दे रहा है। बट बाकी रिसेप्टर क्लासेस में क्या हो रहा है, एंजाइम लिंक रिसेप्टर क्लासेस में आपके दूसरे सिग्नलिंग प्रोटीन को एक्टिवेट किया जा रहा है जो आगे जाके सेकेंडरी मैसेंजर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चलो आगे समझते हैं इसमें। इनका जो प्राइमरी रोल है पहले तो वो समझ लो, इनका प्राइमरी रोल सिर्फ एक ही है भाई साहब कि हमको साइक्लिक जीएमपी बनाने का है। किससे बनाना है, जीटीपी से बनाना है, जब उनका लिगेंड उनके पास आके बाइंड कर जाए। साइक्लिक जीएमपी फिर क्या करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर हम जानते हैं तो सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करते हुए अलग अलग सेलुलर प्रोसेस को रेगुलेट करेगा। एक सिग्नलिंग जो मैं चाहता हूँ तुम इसमें याद रखो वो है एट्रियल नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड की सिग्नलिंग, एएनपी की सिग्नलिंग, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब यहाँ पे एट्रियल भी है और आपका बीएनपी, यूरो, सीआरआर, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ एआर, एएनपी, एट्रियल नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड या एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर, एएनएफ, इसकी याद रखो। पहले तो समझ लो कि एएनपी रिलीज कब होता है, तो व्हेन देयर इज हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है। ब्लड प्रेशर ज्यादा क्यों होता है, उसका सीधा कारण यही है कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जब प्रेशर बढ़ता है उस वजह से आपके हार्ट की वॉल्स पे प्रेशर आने लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली पंपिंग तो वही कर रहा है ना, तो ज्यादा पानी पंप करना पड़ रहा है, मेरा मतलब ज्यादा खून पंप करना पड़ रहा है। तो उस केस में क्या होता है, आपकी हार्ट की वॉल्स रिलीज करती है इसको, एएनपी को। ठीक है, हार्ट की वॉल्स जब इसमें इस पे प्रेशर बढ़ता है और ये सारा का सारा पूरा आपका रिलीज होता है, तो ये फिर आगे जाके काम करता है आपकी किडनी के ऊपर। एएनपी आगे जाके काम करता है आपका किडनी के ऊपर। किडनी के ऊपर जब ये जाके काम करता है तो ये वहां से क्या करता है, आपके ब्लड वॉल्यूम को कम करवाता है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ा हुआ है इसलिए प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड वॉल्यूम कम कर दोगे प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। तो ये वहां पे क्या करता है, वो वहां जाके सोडियम का एक्सट्रैक्शन बढ़ा देता है आपकी यूरिन के अंदर, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाना शुरू करता है, बट कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन इन टर्म्स ऑफ सोडियम आयन। अब जैसे ही आप सोडियम को बाहर खींचते हो, यूरिन में खींचते हो, ऑस्मोसिस की वजह से सोडियम के पीछे पीछे वाटर भी आ जाता है और आपके ब्लड वॉल्यूम में से काफी सारा पानी जो है वो यूरिन के फॉर्म में बाहर चला जाता है। इस तरीके से आपका जो ब्लड प्रेशर है जो हाई था वो नॉर्मल हो जाता है। बात समझ आ रही है, ये होता है एएनपी का बेसिक मतलब, एट्रियल नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड। तो एट्रियल नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड का सीधा सीधा मतलब यही है। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा बात समझ लेते हैं। ये इसके बेसिक सिग्नलिंग है, ये आपका जीसी है, ग्वानिलिन साइक्लेज ए, ये पूरा आपका रिसेप्टर है। रिसेप्टर के एक्टिवेशन होने से ये कहाँ पे होगा आपका, अगर मैं बात करूँ तो ये रीनल के बारे में बात कर रहा है, मतलब किडनी की सेल है। रीनल मतलब समझते हो ना, किडनी की है। अब मैं पीसीटी डीसीटी पे अभी नहीं जा रहा हूँ, अभी तो बेसिक किडनी याद रखो। यहाँ पे बाइंड होता है, उसके बाद में साइक्लिक जीएमपी बनवाता है। साइक्लिक जीएमपी फिर पीकेजी, प्रोटीन कैनेस जी को एक्टिवेट करवाता है। साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल को एक्टिवेट करवाता है और पीडीई टू जो आपके दूसरे प्रोटीन्स होते हैं उनको एक्टिवेट करवाता है। ये पीडीई टू जो है फिर साइक्लिक एएमपी को आपका क्या करेगा, एएमपी में बदलेगा। तो साइक्लिक एएमपी से एएमपी में बदल रहा है तो ये क्या होगा, फॉस्फोडाइएस्टरेस, याद रखना है वर्ड, फॉस्फोडाइएस्टरेस 2, जो कि क्या करता है आपका साइक्लिक जीएमपी, सॉरी साइक्लिक एएमपी, जो एडिनाइलेट साइक्लेस से बनता है। ये किससे बना होगा, एडिनाइलेट साइक्लेस से। जो ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे इसको यही रोकता हूँ, साइक्लिक एएमपी को एएमपी में कन्वर्ट करवा देता है। साइक्लिक एएमपी जो है वो एल्डोस्टेरोन का एक्टिवेटर है, तो जैसे साइक्लिक एएमपी का लेवल कम होता है किडनी में, एल्डोस्टेरोन होना बंद हो जाता है। एल्डोस्टेरोन तुम जानते हो कि आपकी बहुत सारे रिएक्शन में मदद करता है, रास सिस्टम अगर तुमने कभी पढ़ा हो तो, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। नाउ इसके अलावा जो साइक्लिक जीएमपी है वो आपके कैल्शियम और पोटेशियम चैनल को बंद करवाता है, जिसकी वजह से आपका वैसो डायलेशन होता है और मीजेन ग्लिया जो होती है वो रिलैक्स होती है। तो मीजेन ग्लिया मतलब आसपास का जो अरेंजमेंट है किडनी का, और आपका वैसो डायलेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा खून किधर आने लगता है, आपकी किडनी के आसपास आने लगता है, क्योंकि हम चाहते हैं खून का लेवल कम करना, आई मीन वॉल्यूम कम करना। फिर क्या होगा इससे, क्योंकि वैसो डायलेशन होगा और ज्यादा से ज्यादा खून किडनी में आएगा तो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर बढ़ जाएगा, जीएफआर बढ़ जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा सूसू आएगी और ब्लड का वॉल्यूम गिर जाएगा। इसके अलावा डायूरेसिस और नेट्रियूरेसिस, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि नेट्रियूरेसिस मतलब आप नमक बहुत ज्यादा आपके यूरिन में एक्सट्रैक्ट आउट करोगे, और डायूरेसिस मतलब बहुत ज्यादा यूरिनेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो साइक्लिक जीएमपी गेटेड चैनल से आपका सोडियम चैनल खुलता है जिसकी वजह से सोडियम बाहर आता है। पीकेजी जो है वो सोडियम की परमेबिलिटी और वाटर की परमेबिलिटी को बढ़ाता है, जिससे क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम गिरेगा। कितना इंटरेस्टिंग है ना ये सब। आखिरी बात यहाँ पे ध्यान रखना कि पीकेजी जो है वो आपके टीजीएफ बीटा, इंटरलुकिन 4, कोल 1, कैस्प 3, इन सबको रोकता है, जिससे आपके एंटी इन्फ्लामेशन, एंटी अपोप्टोसिस और एंटी फाइब्रोटिक जो भी प्रोसेसेस है वो चल पाती है। तो रोकता है कि भैया ज्यादा देर अभी सिग्नलिंग वगैरह मत कराओ, ज्यादा ग्रोथ मत करवाओ, अभी पहले ये प्रोसेस करके नॉर्मलाइज हो जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर अपन बात करें इनका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वही बात होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन होगा, स्पेसिफिक लिगेंड बाइंड करेंगे, यूजुअली वो स्पेसिफिक लिगेंड क्या होते हैं, पेप्टाइड और हार्मोन, ये बात याद रखना है। सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होगा, हेलिक्स होगा, और इंट्रासेलुलर ग्वानिलिन साइक्लेज डोमेन होगा, इससे क्या बनेगा आपका साइक्लिक जीएमपी, किसको यूज करके, जीटीपी को यूज करके, ध्यान रखना एएमपी को यूज करके कभी भी एएमपी से साइक्लिक एएमपी और जीएमपी से साइक्लिक जीएमपी नहीं बनाना है, हमेशा एटीपी से साइक्लिक
एएमपी और जीटीपी से साइक्लिक जीएमपी बनेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। एक्टिवेशन की अगर बात करते हैं तो लिगेंड की बाइंडिंग होगी तो ही एक्टिवेट होगा, यूजुअली पेप्टाइड और हार्मोन होंगे वो। उसके बाद में इनके अंदर कॉन्फर्मेशनल चेंज आता है, मतलब इसके अंदर बदलाव आता है रिसेप्टर के अंदर जैसे लिगेंड से बाइंड करता है, और फिर अल्टीमेटली आपका सिंथेसिस शुरू होता है साइक्लिक जीएमपी का। ये सिंपल बात है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिर्फ एक बार इंग्लिश में पढ़ लेना, उसमें ज्यादा लोड नहीं लेने का। डाउन स्ट्रीमिंग सिग्नलिंग की बात कर लेते हैं, आगे क्या होगा। अब साइक्लिक जीएमपी जो रिलीज होने वाला है रिसेप्टर के सिंथेसिस से, वो आपका सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करेगा, और उससे आपके प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होंगे। कौन सा प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होंगे? प्रोटीन काइनेज जी एक्टिवेट होंगे, जिससे आपका आयन चैनल के रेगुलेशन हो पाएंगे, क्योंकि जो आपका साइक्लिक जीएमपी है उससे पीकेजी के थ्रू आप सोडियम के चैनल को रेगुलेट कर रहे हो। और अल्टीमेटली आप टर्मिनेट कैसे करोगे सिग्नलिंग को? टर्मिनेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम को यूज करना है। वर्ड याद रखना, साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज, जैसे अपन ने अभी साइक्लिक एएमपी के लिए फॉस्फोडाइस्टरेज यूज किया था, PDE2 बताया था मैंने, जिससे एल्डोस्टेरोन जो है वो रुक गया था, सेम यहाँ पे भी होगा। साइक्लिक जीएमपी जैसे आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, वापस से वो डिग्रेड कर दिया जाएगा आपका साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज के थ्रू, और आपका क्या होगा, जीएमपी बन जाएगा, जिससे आपकी जो सिग्नलिंग इवेंट है वो खत्म हो जाएगी। सेकेंडरी मैसेंजर है ना, सिग्नलिंग कौन करे? कुछ एग्जाम्पल इसके गोनाली साइक्लेज के, तो एक तो एएनपी की मैंने तुमको अभी बताई, इसको NPRA बोल देते हैं कई बार, नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड रिसेप्टर, और इसमें आपका एट्रल नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड इंपॉर्टेंट होता है, और ये आपका ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर और फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। फिर एक गुआनाइलिन साइक्लेज सी रिसेप्टर होता है, जो आपका गुआनाइलिन और यूरोगुआनाइलिन से रिलेटेड है। इसका मेजर वर्किंग याद रखो, इतने डिटेल में यूजुअली क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट इसका मेजर वर्किंग याद रखना कि इसका मेजर काम क्या है, इंटेस्टाइनल फ्लूइड होम्योस्टेसिस से, कि आपके आसपास जो इंटेस्टाइन है आपके आसपास कितना फ्लूइड होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा फ्लूइड हो जाएगा तो दस्त लग जाएगी, कम फ्लूइड होगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो वो सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए हमारे पास में क्या है जी, ये गुआनाइलिन साइक्लेज सी। एक मेरी तरफ से चलो और बता देता हूँ, जो आपकी ये होती है नाइट्रिक ऑक्साइड की सिग्नलिंग, अरे चल जा भाई, हाँ नाइट्रिक ऑक्साइड की सिग्नलिंग, नाइट्रिक ऑक्साइड की सिग्नलिंग भी इसी की वजह से होती है, और वो आपका वैसो डायलेशन करवाता है। तो जब हम कोई भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना, और पंप आता है, तो वो पंप जो आता है वो ब्लड की वजह से आता है, मतलब मसल थोड़ा बड़ा दिखने लगता है ना एक्सरसाइज करने की वजह से, तो वो वैसो डायलेशन जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से ही होता है। ठीक है, आगे फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, अभी जस्ट मैंने तुमको बताया, एक तो वैसो डायलेशन, तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है वो आपकी गुआनाइलिन साइक्लेज को एक्टिवेट करती है वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल में, अभी जस्ट बताया मसल बड़ा दिखेगा, तो वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल में, जिसकी वजह से वहाँ वैसो डायलेशन होता है और ब्लड बहुत ज्यादा पंप होता रहता है। एक्सरसाइज के टाइम पे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने के कारण आपको ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचानी पड़ती है। ज्यादा ऑक्सीजन कैसे पहुंचाओगे? ज्यादा ज्यादा हीमोग्लोबिन पहुंचा के, ज्यादा हीमोग्लोबिन कैसे पहुंचाओगे? ज्यादा ब्लड पहुंचा के, समझ में आई? आगे न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, कि नर्वस सिस्टम में आपके साइक्लिक जीएमपी जो है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और विजन वेरी इंपॉर्टेंट, फोटो रिसेप्टर सेल्स जो होते हैं आपके पास में, रोड्स एंड कॉन्स, स्पेसिफिकली रोड्स, उसके अंदर आपके जो ये साइक्लिक जीएमपी है ये आपके आयन चैनल को रेगुलेट करता है, तो साइक्लिक जीएमपी गेटेड सोडियम चैनल जो है उनकी रेगुलेशन जो है इसके थ्रू होती है, जिसकी वजह से वो डीफॉस्फोराइलेशन में डार्क विजन और हाइपर फॉस्फोराइलेशन में लाइट विजन वाली स्थिति आती है। राइट, अगला है अपना और आखिरी है आपका TKAR, टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर। अब देखो इसमें एक बात ध्यान रखना है कि इसके अंदर खुद के अंदर आपका ऐसा अरेंजमेंट नहीं होगा कि ये फॉस्फोराइलेट कर पाए, ये क्या करेगा, टायरोसिन काइनेज को बुलाएगा। आई थिंक ये वाला डायग्राम यहाँ गलत हो गया, तो इसको ऐसे समझो कि ये एक रिसेप्टर है, इस डायग्राम को मत देखो, मुझे लग रहा है ये गलत डाल दिया यहाँ पे, TKAR वाला डालना था, इसने RTK डाल दिया है हमारे भाई साहब ने। इसके अंदर बेसिक मैकेनिज्म सिर्फ इतना सा है, हाँ, कि ना ये रिसेप्टर में खुद के अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं है, इसके साथ में जो मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है वो टायरोसिन काइनेज अरेंजमेंट शो करेगा, जो भी प्रोटीन इसके साथ जुड़ा होगा। तो जब लिगेंड यहाँ पे आके बाइंड करेगा, ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, और ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो ये जो साथ वाला इसके प्रोटीन जो है एसोसिएटेड प्रोटीन जिसको हम कह रहे हैं उसको एक्टिवेट करवा के उसकी टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी को चालू करवा देगा। यही बात अपन ने यहाँ लिखी है, ये भी आपके सेल सरफेस रिसेप्टर के क्लास है, लेकिन इनके अंदर खुद की इंट्रेंसिक काइनेज एक्टिविटी नहीं, नोट लिखा है ना, डू नॉट हैव इंट्रेंसिक काइनेज एक्टिविटी, है ना, लेकिन ये जिसके साथ एसोसिएटेड होते हैं उनके पास में भैया टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी देखने को मिलती है। सही है, कब, जब लिगेंड बाइंड करता है। ये जो रिसेप्टर्स हैं इनके मेजर वर्किंग की अगर अपन बात करें तो इसके काफी सारे रिस्पॉन्सेज हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में चर्चा करेंगे कि कैसे फॉस्फोराइलेशन इवेंट जो है वो आपकी एक्टिवेट करने वाली है। ठीक है, ये वाला डायग्राम सही नहीं है, याद रखना है इस चीज को। स्ट्रक्चर वही सेम बात है, एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन होगा जिससे लिगेंड आके बाइंड करेगा, यूजुअल लिगेंड वापस वही होगा जैसे आरटीके में देखे थे, ग्रोथ फैक्टर्स और हार्मोन्स, सिंगल आपका ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होगा। और इंट्रा सेलुलर डोमेन की बात करें तो ध्यान रखना
इट लैक्स इंट्रेंसिक काइनेज एक्टिविटी, लैक्स, इसके पास में इंट्रेंसिक काइनेज एक्टिविटी नहीं है। अच्छा, एसोसिएशन किसका होगा इसका? नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के साथ इसका एसोसिएशन होगा, मतलब जैसे ही आपका लिगेंड बाइंड करेगा, ये रिसेप्टर अपने आप को ऐसे टायरोसिन काइनेज के साथ बाइंड कराएंगे जिनके खुद का कोई रिसेप्टर नहीं है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना, नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस, मतलब जो दूसरे काइनेजेस होंगे वो रिसेप्टर से नहीं जुड़ रहे हैं, वो ऐसे फ्री घूम रहे होंगे सेल के अंदर। तो मैं डायग्राम से समझाता हूँ, ये एक सेल है अपना, ये मान लो अपना रिसेप्टर है, TKR मान लेते हैं इसको, टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर, और अभी ऐसा फ्री है। जैसे इसका लिगेंड यहाँ पे आया और इससे बाइंड हुआ, इसके बाइंड होते ही यहाँ पे क्या होगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसके एक्टिवेशन से ये दूसरे वाले प्रोटीन्स को अपने पास बुलाएगा, और ये जो प्रोटीन है ये नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है। ये है क्या? काइनेजेस। कहाँ पे काम करेंगे? टायरोसिन पे फॉस्फोराइलेशन करेंगे, बट ये नॉन रिसेप्टर है, किसी रिसेप्टर के साथ जुड़े हुए नहीं होते। जब लिगेंड आके बाइंड करता है तब तो बुला लिया जाता है, राइट। एक्टिवेशन सेम वही एक्टिवेशन है कि जब ग्रोथ फैक्टर है साइटोकाइंस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना, साइटोकाइंस, इससे रिलेटेड जैकस्ट्रेट सिग्नलिंग के बारे में बात करते हैं अपन। ये जब आपके एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन पे बाइंड करते हैं तो इनके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, वो कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से क्या होता है, इनका नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज आके बाइंड कर जाता है, जैसा कि मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया, एक बार इसको रीड कर जरूर कर लेना। फिर इसी में अगर आगे बढ़े तो हमको समझ में आता है कि इसके डाउन स्ट्रीमिंग सिग्नलिंग क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके जो नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट हुए हैं वो फॉस्फोराइलेट करेंगे उन टायरोसिन रेसिड्यूज को, रिसेप्टर पे भी, वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेप्टर पे भी और डाउन स्ट्रीमिंग सिग्नलिंग प्रोटीन पे भी, दोनों पे फॉस्फोराइलेशन कर देंगे। ये जो फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेसिड्यू है वही काम करेंगे जैसा आरटीके में कर रहे थे, डॉकिंग साइट की तरह काम करेंगे अलग अलग सिग्नलिंग प्रोटीन के लिए जो SH2 और SH3 डोमेन कंटेन करते हैं। फिर क्या होगा, ये डाउन स्ट्रीमिंग सिग्नलिंग होने के बाद में इसमें कुछ एग्जैक्ट पॉइंट्स होंगे, क्या क्या, अब इसके एग्जाम्पल समझ लो क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनते हैं यूजुअली। पहला तो हुआ साइटोकाइन का रिसेप्टर, साइटोकाइंस जो होते हैं हमारे, जैसे कि इंटरल्यूकिंस हो गया, इंटरफेरॉन्स हो गए, और दूसरे साइटोकाइंस हो गए जो अल्टीमेटली इम्यून रिस्पॉन्सेस में रहेंगे, वो आपके जेनस काइनेसिस, जैक जिसको अपन बोलते हैं, उससे रिलेटेड होते हैं। और इसके साथ में एक और होता है स्टेट, तो जैक स्टेट सिग्नलिंग अगर कभी पूछ लिया जाए किसे कहा जाता है, तो टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर को जैक स्टेट सिग्नलिंग कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है अपने पास में ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, याद रखना मैंने आरटीके में भी ग्रोथ फैक्टर बताया है, यहाँ पे भी ग्रोथ फैक्टर बता रहा हूँ। तो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जो है आपका, वो भी आपका इसमें टायरोसिन काइनेजेस के साथ में काम करते हैं, बट इसमें ध्यान रखना जो नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस है वो SRC है या फिर CSRC है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, जैसा अभी लेवल बढ़ा है मुझे लगता है इससे सवाल आ सकता है। फिर आता है हिमेटोपोएटिक रिसेप्टर, हिमेटोपोएटिक मुझे नहीं लगता तुमको बताने की जरूरत है बट फिर भी बता देता हूँ, खून का बनना, ब्लड फॉर्मेशन को हम बोलते हैं हिमेटोपोइसिस, और उसी के बारे में बात है। तो हिमेटोपोएटिक रिसेप्टर्स ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो हिमेटोपोइसिस में इन्वॉल्व होते हैं, और मेजरली जैसे कि हमारा इरिथ्रोपोइटिन से रिलेटेड जो रिसेप्टर है वो आपका इसी क्लास में फॉल करता है, टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर में। इरिथ्रोपोइटिन शायद मुझे लगता है तुमको पता होगा, RBC के फॉर्मेशन के लिए ये हार्मोन होता है जो आपका कहाँ से रिलीज होता है, ये तुम कमेंट में बता देना, मैं भूल गया, भूला नहीं हूँ लेकिन कमेंट में बताओ कि इरिथ्रोपोइटिन कहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। इसके बाद में ये मेजरली आपके JAK2 के साथ काम करते हैं, जैसे कि मैंने तुमको बताया यहाँ पे JAK जो है और स्टेट जो है ये आपके डाउन स्ट्रीमिंग प्रोटीन्स होने वाले हैं आगे जाके, तो ये JAK2 के साथ काम करता है, याद रखने की जरूरत नहीं है पर इरिथ्रोपोइटिन याद रखो तो भी काफी है। इसके बाद में अगली बात पर अगर अपन चले तो टर्मिनेशन कैसे होगा, अब देखो क्योंकि इसका फॉस्फोराइलेशन से चालू हो रहे हैं तो डीफॉस्फोराइलेशन से क्या होंगे आपके, बंद हो जाएंगे, तो वही डीफॉस्फोराइलेशन होगा, आपके जो एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स होंगे वो बंद हो जाएंगे और एट द एंड आपकी सिग्नलिंग एंड हो जाएगी, सही। आखिरी बात, फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है, TKAR का, सबसे पहले तो बात ध्यान रखना कि ये आपके इम्यून रिस्पॉन्सेज को रेगुलेट करता है, क्यों भैया, क्योंकि साइटोकाइनेस के बहुत सारी सिग्नलिंग इवेंट आपकी TKAR से चलती है। दूसरी चीज याद रखना है कि सेल प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन, क्योंकि ग्रोथ फैक्टर से रिलेटेड काम करवाता है ये, इसलिए बहुत ज्यादा क्या होता है, क्रिटिकल होता है। और ये पूरी की पूरी पिक्चर है जो है ये है आपकी एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर से रिलेटेड। आई होप तुमको दो तीन चीजें समझ में आई होगी, कुछ पता चला होगा नया एंजाइम लिंक रिसेप्टर से रिलेटेड, और आज की कहानी यहीं समाप्त की जाती है। प्लीज इसको शांत और तेज रखो, और कृपया करके अपने दिमाग को शांत रखो, प्लीज ध्यान रखना, कीप योर माइंड हेल्दी नॉट ब्रेन, है ना, क्योंकि ब्रेन तो एक ऑर्गन है उसको हेल्दी नहीं रखना है, मेजरली अपने को हेल्दी किसको रखना है, माइंड को, जहां से हम सोचते हैं, जहां पे हम चीजें स्टोर करते हैं। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे कल, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज, एंड नहीं तो फिर कॉमेंट में बताओ, कुछ सजेशन होंगे तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू टुमारो, टेक केयर एंड बाय बाय।